हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल स्टे एट होम। आई एम अमित राय, कंप्यूटर टीचर। टुडे आई विल एक्सप्लेन क्लास सिक्स स्टूडेंट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। स्टूडेंट, वी कम्युनिकेट विथ ए कंप्यूटर। वी नीड ए लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ए कंप्यूटर एंड अंडरस्टैंड। स्टूडेंट, जैसे हमको किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, समझते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर के लिए एक लैंग्वेज होती है जो इसको समझती है, जो इस कंप्यूटर को अपने भाषा में समझती है। तो इसी तरीके से है, तो जैसे हम इसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, प्रोग्राम कैसे बनते हैं, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो जैसे अगर प्रोग्राम पूछा जाए, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज ए प्रोग्राम। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब एक इंस्ट्रक्शंस के छोटे छोटे सेट को मिला करके एक प्रोग्राम बनता है। कोई भी प्रोग्रामिंग होती है उसमें कोड होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, ये लिख करके धीरे धीरे एक सेट तैयार होता है। सेट समझ रहे स्टूडेंट, वो सेट तैयार होता है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम। और ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक रूल्स एंड सिंटैक्स। उनकी एक रूल्स होते हैं और सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स मीन्स होता है स्टूडेंट उसके जो उस पार्ट्स के, जैसे उस लैंग्वेज के एक सिंटैक्स होते हैं। जैसे हम लोग सी सी प्लस प्लस में जैसे इंट का इंटीजर, ये इंटीजर के लिए कितनी इसकी क्या है, वैल्यू क्या है, सिंटेक्स क्या है, जैसे हम लोग उसमें लिखते हैं उसके सिंटेक्स अलग अलग होते हैं। जैसे डू लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब के लिए अलग अलग सिंटेक्स होते हैं। तो ऐसे सिंटेक्स और रूल्स की इसमें आवश्यकता होती है स्टूडेंट। इसी आधार पर इसके जनरेशन और लैंग्वेज बने। जैसे फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन जो हुआ इसमें मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 और 1। इट्स ओन स्पेसिफिक लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है इसकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, जो स्टार्टिंग में हम लोग मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते थे, 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। फिर इसके बाद सेकेंड जनरेशन आया जिसका असेंबली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। असेंबली लैंग्वेज स्टूडेंट, जैसे हम कोई भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे एडिशन, वो भी ऐड लिखते हैं, ADD, ऐड शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन, SUB, सब लिखते हैं। ऐसे स्टूडेंट इसकी जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ये सारे जो शॉर्ट फॉर्म में है ये सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में आते हैं। इसकी भी कोड होती है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज है, जिसको हम जानते हैं LLL मीन्स होता है लो लेवल लैंग्वेज। इसके बाद स्टूडेंट आया थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में स्टूडेंट C, C++, जावा, ये .NET, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज है। ये कौन से लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, और ये आपका है लो लेवल लैंग्वेज। कभी पूछे LLL का फुल फॉर्म तो लो लेवल लैंग्वेज। इसके बाद थर्ड जनरेशन ये एज ए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में आपका आता है C, C++, जावा। इसके बाद फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज पे ही डिपेंड है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, एक इंग्लिश, इसको इंग्लिश की तरह लिखते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, INT, ये सारे जो है ये इंग्लिश वर्ड्स में होते हैं। ये थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ये इसी तरह स्टूडेंट फर्स्ट जनरेशन जो होता है आपका, जो मशीन लैंग्वेज है वो 0-1 बाइनरी फॉर्म में होता है, और ये लो लेवल लैंग्वेज होता है जो मशीन लैंग्वेज में ही होता है। और जब हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज की बात करेंगे, सेकंड जनरेशन एज ए असेंबली लैंग्वेज, तो ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये भी क्या करता है, फिर इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मीन्स क्या, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हैव टू कन्वर्टेड
मशीन लैंग्वेज, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। करता कैसे है पहले देखिए, असेंबली कोई लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को सोर्स प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। सोर्स प्रोग्राम है, ये सोर्स प्रोग्राम जो है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के द्वारा होता है, जो असेंबलर इसका होता है ये ट्रांसलेट करता है। असेंबलर होता है ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को, ये सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, और जब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से जब ये असेंबलर ट्रांसलेट करता है फिर ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर के मिलता है स्टूडेंट। और स्टूडेंट आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, जैसे ये सोर्स प्रोग्राम है या असेंबली लैंग्वेज है, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बाई असेंबलर के द्वारा इसको ट्रांसलेट करता है, जब असेंबलर इसको ट्रांसलेट करता है तो फिर मशीन लैंग्वेज में ये अपना कन्वर्ट होकर फिर से आ जाता है। मतलब ये असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये किस में ट्रांसलेट होता है, फिर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर के फिर वो अंडरस्टैंड होता है स्टूडेंट। इसके बाद आपका है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। अब आपका आ गया थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जाएगा HLL। HLL का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। फिर स्टूडेंट ये क्या होता है, सिंपल यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होता है। यूजर फ्रेंडली मतलब जो हम जो इसको प्रयोग करता है बड़े आसानी से इसको समझ लेता है। यूजर फ्रेंडली बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होता है, अच्छा भी लगता है। इसके बाद इस विच लैंग्वेज विच इज मशीन डिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट या मशीन के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है स्टूडेंट। इन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्या क्या इसमें आते हैं, इसके प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सी सी प्लस प्लस जावा एक्सेट्रा, ये सारे चीज इसमें आते हैं, ये लैंग्वेज आते हैं, सी सी प्लस प्लस जावा लैंग्वेज आते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज में इसके जो ट्रांसलेटर होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसलेटर तो होते हैं ना, सेकंड जनरेशन में भी थे, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज वो एज ए असेंबली लैंग्वेज था वो, उसमें भी ट्रांसलेटर लगे हुए थे। थर्ड जनरेशन में भी ट्रांसलेटर है, तो ट्रांसलेटर थर्ड जनरेशन में दो तरीके के, जिसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर ये ट्रांसलेट प्रोग्राम है जिसका यूज टू कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को फिर किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस, मतलब जितने भी प्रोग्राम लिखे जाएंगे एक ही बार में उसको ट्रांसलेट कर देगा, जितनी बार प्रोग्राम लिखे जाएंगे उसको एक ही बार में ये ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर इज ए ट्रांसलेट प्रोग्राम यूज टू हाई लेवल लैंग्वेज इंटू मशीन लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज, इट ट्रांसलेट लाइन बाई लाइन। ये क्या होता है, लाइन बाई लाइन इसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर होल प्रोग्राम एट वंस, मतलब पूरे प्रोग्राम को एक ही बार रन कर देगा। इंटरप्रेटर क्या होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे वो एक लाइन को पहले समझेगा, इसमें कोई एरर तो नहीं ना है। अगर इंटरप्रेटर में जैसे ये पूरी है, एक समझिए ये एक एग्जांपल थ्रू में एक प्रोग्राम है, तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले ये इतने में यहाँ से यहाँ तक पूरे को एक बार रन करेगा और बताएगा इस लाइन में एरर है, इस लाइन में एरर है, इस लाइन में एरर है, इस लाइन में, इस लाइन में, दिस लाइन, दिस लाइन। इसके बाद इंटरप्रेटर क्या, ये अब इंटरप्रेटर क्या होगा, पहले ये रन करेगा तो पहले ही बता देगा कि इसी में पहले ये या इसको इस लाइन को रन रीड करेगा, रीड करने के बाद ये बता देगा इसमें मिस्टेक है, तो जैसे ही बता देगा यही अभी अभी ये पूरा नहीं रन मतलब ये ट्रांसलेट किया, अभी एक ही लाइन को ट्रांसलेट किया उसमें एरर मिला तो फिर उसको यहीं पे ब्रेक कर दिया, पहले इस एरर को दूर करिए, फिर सेकंड में अगर होगा तो सेकंड को दूर करिए एरर। स्टूडेंट अब एक चार्ट के माध्यम से मेक ए चार्ट लैंग्वेज एंड फीचर्स होल समरी, इसकी जो है जो हमने अब तक पढ़ाया उसकी होल समरी है स्टूडेंट। अब आप देखिए जैसे फर्स्ट जनरेशन था मशीन लैंग्वेज था, ये क्या है, यूजर यूजेस बाइनरी कोड टू डिपिक्ट ऑपरेटर्स एंड डेटा, ये बाइनरी कोड पे 01, मशीन लैंग्वेज तो मैंने पहले बताया 0101। मशीन डिपेंडेंट, ये मशीन पे डिपेंड होता है,
ये ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, यही एक है जो डायरेक्ट इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करती है। इसके बाद सब इसको इसमें ना किसी में ट्रांसलेटर लगे होते हैं, लेकिन यही एक है कि ओनली डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली अंडरस्टैंड होता है। इसके बाद असेंबली, ये न्यूमेरिक कोड्स होता है, सिंबल्स होते हैं, इसके लिए बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज के ये न्यूमेरिक कोड्स होते हैं और इनके जो है सिंबल्स होते हैं। मशीन डिपेंडेंट, ये भी मशीन पे डिपेंड होते हैं, लेकिन बट क्या है, ट्रांसलेट प्रोग्राम ट्रांसलेटर लगे होते हैं जो असेंबलर लगा होता है। इसमें ट्रांसलेट प्रोग्राम जो होता है असेंबलर होता है। इसके बाद हाई लेवल, ये यूज इंग्लिश वर्ड एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इसमें इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं जैसे INT, इंटीजर, फिर इसके बाद लूप, स्विच, ये सारे जो है फ्लोट, ये सारे इसमें इंग्लिश वर्ड होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है इसमें। इसके बाद ये मशीन इंडिपेंडेंट, ये मशीन पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है इसमें। अब इसमें ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो है हाई लेवल लैंग्वेज में दो होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है। फोर्थ है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये भी मशीन पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ये मिनिमम यूजर स्किल, मतलब आप मिनिमम यूजर स्किल, मतलब आपको मतलब थोड़ा ही नॉलेज हो तो भी आप इस पर आप वर्क कर जाएंगे, मतलब इसमें ज़्यादा कोड की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, इसके आसानी से बहुत आसान से आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब ये आपको बहुत ही इजी है। जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम की तरफ गए, मतलब हम लोग धीरे से फर्स्ट जनरेशन से और हाई लेवल तक पहुँचे, फोर्थ जनरेशन तक, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ इसमें जो है हम लोगों के लिए ईजी होता गया, यूजर फ्रेंडली होता गया। पहले की जो थी वो हाई थी, अब धीरे 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 यूजर फ्रेंडली होता गया। तो स्टूडेंट मशीन फर्स्ट से हम लोग फोर्थ में पहुंचे, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स ये हमारा जो है सबसे मतलब एक तरीके का सबसे अच्छा मतलब बेस्ट है हम लोग का एप्लीकेशन। इसमें फोर्थ जनरेशन में मिलता है, मिनिमम यूजर स्किल होता है, मतलब मिनिमम मतलब आपको बहुत ही यूजर स्किल, इसकी प्रतिभा मतलब बहुत कम होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाएगी। मशीन इंडिपेंडेंट होता है, ये मशीन पे बिल्कुल ही डिपेंड नहीं होते, मतलब कि जिस मशीन पे है वही मशीन इंडिपेंडेंट है ये। तो अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। स्टूडेंट आप लोग ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर करिए। स्टूडेंट हमारे ऑल टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, सभी लोग का इसमें सहयोग है। स्टूडेंट आपसे हम आशा करते हैं कि मेरा ये वीडियो बनाया हुआ क्लास सिक्स के स्टूडेंट को अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। स्टूडेंट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर इसको एक बार ज़रूर आप कमेंट करिए, हम इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर लैंग्वेज फिनिश हुआ स्टूडेंट, थैंक यू।